सभापति महोदय, हिंदुस्तान 70-75% ग्रामीण एरिया में बसता है और ग्रामीण एरिया की संस्थाएं प्रशासनिक और विकास के तौर पर ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायतों को मजबूत करना शासन का पहला कर्तव्य होना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायतों को चाहे दूसरी संस्थाओं को हर तरह की सहूलियत देने में चाहे कोई माने नहीं माने लेकिन उसने कोई कसर नहीं रखी है, उसको बार बार धन्यवाद देना उचित होगा। इस मौके पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि राजस्थान अलग अलग परिस्थितियों में है, पहाड़ी एरिया की अलग समस्या है, रेगिस्तान की अलग समस्या है और बीच में हड़ौती इनकी समस्या अलग है। हमारे पश्चिमी राजस्थान के 11 जिले की आबादी आज भी गांव में अधिक नहीं है, गांव के खेतों में ढाणियों में बसते हैं और इन ढाणियों में जो टांका बनाने की योजना बहुत ज्यादा सफल हुई है और इन टांका बनाने में पंचायतों को पेमेंट में और तकनीकी कर्मचारियों में दिक्कत जो आती है खाली जगह उनकी वजह से वो पूरी करनी चाहिए और पंचायतें पेमेंट के लिए इधर उधर कर्ज ले करके काम कराते हैं, इससे सरपंचों के सामने भारी मुसीबत है। हमारी पंचायत समिति गडरा रोड शिव और रामसर के कई सरपंचों ने हमें ये कहा कि साहब हमारा पिछले 2 साल से अभी तक पेमेंट बकाया है, तो इस पेमेंट की एक समयबद्ध तरीके से सरकार की बंदोबस्त और पाबंदी होनी चाहिए। पंचायतों में अधिकांश लोग ग्रामीण है, 100% ग्रामीण लोग हैं। इन ग्रामीण लोगों को मजबूत करने के लिए प्रत्येक घर में 2 टांका होना चाहिए, एक टांका जहां वो गांव में निवास करते हैं वहां होना चाहिए और एक टांका उनकी खेत की ढाणी में होना चाहिए ताकि उनको पानी की कोई समस्या नहीं रहती है। और टांकों के पानी में न तो नारू वाला कभी होता है और न उसमें फ्लोराइड की कोई मात्रा है, इसलिए कोई बीमारी से भी इंसान अच्छे तरह से बचते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। और टांके का पानी हर जगह हर समय आराम से मिलता है। पेयजल की योजनाएं भी सरकार ने बहुत लंबी लंबी बनाई है, करोड़ों अरबों रुपये खर्च किए हैं लेकिन वो हमारी निगाहों में सफल नहीं रही है, क्योंकि 100-200 किलोमीटर रेगिस्तान की लंबी लाइनों में कहीं टूट जाते हैं, कहीं पंप बंद हो जाता है तो 4 दिन किसी को पता नहीं रहता है। और पता इसलिए नहीं रहता है कि चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इन्होंने मजदूर लगाने पर पाबंदी लगा रखी है और मजदूर पाबंदी लगाना मैं सभापति महोदय जनता का अहित मानता हूँ, क्योंकि एक तो मजदूर को रोजगार मिलता है, दूसरा जब इतने इतने लंबे काम के लिए आप मजदूर बिना काम चला नहीं सकते, काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसकी आपको खबर देने वाला भी कोई नहीं है, हजारों लाखों रुपए के मोटर पंप जो है वो जल जाते हैं, वो 10 दिन के बाद में पता पड़ता है। इसलिए ये काम जो है पंचायतों के अंडर में दिया जाए और मजदूर जो है पंचायतों के अंडर में दिया जाए। दूसरी हमारा ये सुझाव है
शुरू शुरू से पंचायत राज जब कायम हुआ तो हमारे यहाँ मास्टर और राजस्थान में मास्टर प्रधान और वीडियो अपॉइंटमेंट करते थे और उस जमाने में कोई तकलीफ नहीं थी। आज जब ये पता नहीं कोई रीट लाए हैं, कोई बीएड एमएड सारे तरह की परीक्षाएं जिसमें पेपर लीक होते हैं, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसमें चले जाते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि स्कूल आपकी बंद कितना दिन रहेगी। हमारा तो ये सुझाव है कि पंचायत राज के जिला परिषद को पावर होना चाहिए, ग्रामीण स्कूलों को अध्यापकों का सिलेक्शन का पावर इनको देना चाहिए। यही बात कहते हुए मेरी बात मैं खत्म करता हूँ। बकाया पेमेंटों की मंत्री जी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सरपंच लाचार न बने और ये टंकों का इंतजाम व्यवस्था तरीके से योजनाबद्ध तरीके से चलना चाहिए ताकि ग्राम और ढाणी सुखी रहे। जय हिंद। थैंक यू श्री अमृतलाल जी।